Hello students, how are you? I hope all are well, happy and safe at home. आज का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा ही है कि हम सभी अपने अपने घर पर ही सुरक्षित हैं और हमारा घर पर रहना ही सर्वोत्तम है। वैसे भी यह तो सच है कि घर जैसा अच्छा, शांति और सुरक्षित वाला स्थान हमें कहीं नहीं मिलता और ना ही कहीं हो सकता है। हमारी सभी ज़रूरतों की चीज़ें हमें अपने घर पर रहती है और हम पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र रहते हैं। हम कहीं भी जाए लेकिन घर में आकर ही हमारे मुँह से यह निकल ही आता है, अब अच्छा लगा, अपना घर तो अपना ही है ना सच। आपको भी आजकल तो घर पर रहना बहुत अच्छा लगता होगा, और आजकल इसलिए अच्छा लगता होगा क्योंकि स्कूल जाना नहीं है और ना कोई स्कूल, ना होमवर्क, ना कोई दूसरी एक्टिविटी और कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं। लेकिन हमें इससे ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए और ना ही जा सकते हैं। हमारे आने जाने के तो बहुत सारे स्थान होते हैं, लेकिन स्कूल एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। हमें सीखने, जानने और समझने का ज्ञान होता है। इस तरह मेरा कहना यह है कि अपने समय में थोड़ा समय पढ़ाई पर भी ध्यान दें। उसके लिए आपके सभी टीचर ने पूरा लेसन और उससे संबंधित सभी कुछ आपको घर बैठे ही समझाने का प्रयास किया है, और उसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है कि आप लेसन देखें, पढ़ें और उससे संबंधित सभी कुछ बातों पर ध्यान दें और सीखें। आपको डेली एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एक लेसन का के एक्सप्लेन के बारे में बताया जाएगा। आपको उस पर ध्यान देना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपना ध्यान देंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू। अभी मैं आपको ये बताऊँ कि आपका 6-7 सब्जेक्ट्स हैं और उन 7 सब्जेक्ट्स में एक सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, और ये सोशल स्टडीज़ आपने लास्ट ईयर भी पढ़ा है। आपको मालूम है ये सोशल स्टडीज़ में 3 पार्ट है। एक पार्ट है हिस्ट्री पार्ट, जिसमें हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, और सेकंड पार्ट है इसमें ज्योग्राफी, जिसमें हमें अपने अर्थ और उसके फॉर्म्स के बारे में पता चलता है, उससे रिलेटेड कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं अर्थ पर, वो उन सभी चीज़ों का, उन सभी बातों की हमें जानकारी मिलती है। और थर्ड पार्ट है SPL यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, राजनीति, राजनीति जिसमें हमारे कितने आर्टिकल्स हैं, कितने ड्यूटीज़ हैं, हमारे कितने राइट्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो हम सब ये तीनों बुक अलग अलग हैं, और इन तीनों बुक में से सबसे पहले मैं आज आपका हिस्ट्री पार्ट का, हिस्ट्री बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करती हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट अवर फर्स्ट लेसन